गाड़ी चलाते वक्त आजकल का कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के पास मोटरसाइकिल मिल ही जाएगी। नॉर्मल सभी के पास आजकल मोटरसाइकिल स्कूटी होती है। जब गाड़ी भगाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है भगाते वक्त। गाड़ी 100 चले, 120 चले, 150 चले, पता नहीं क्या मिलता है भगा के। पर जब उनसे पूछा जाए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है, या कोई गाड़ी है उस गाड़ी को एक निश्चित दूरी पर जाना है, निश्चित डिस्टेंस पर जाना है, या यूँ कहते हैं कि 100 मीटर कोई गाड़ी जानी है और अगर वो 80 की स्पीड से उसको ले जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं ना तो स्टूडेंट बस सर वो कॉपी पेन दे भी दो कॉपी पेन, तब भी फॉर्मूला नहीं पता सर, फॉर्मूला नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। भगाना मालूम है, करना क्या है, चाबी लगाना है, गियर लगाना है, यार ताना है एक्सीलेटर, गाड़ी छू। पर जब उसी की कैरेक्टर से पूछी जाए तब वो फेल है। तो अगर किसी स्टूडेंट को या कोई भी पढ़ने वाला इंसान जो कोई तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, टाइम डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बेसिक सी क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस की हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस अगर एक है, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 100 किलोमीटर किसी भी गाड़ी को जाना है, कोई भी गाड़ी हो उसको अगर 100 किलोमीटर जाना है और जो गाड़ी उसके पास है, कोई भी गाड़ी हो उसके पास है, अगर गाड़ी धीमे चलेगी, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये इसमें कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर गाड़ी धीमे चलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मली हम लोग भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब ट्रेन धीमे चलती है तो हम लोग भी घड़ी देखते हैं बार बार, ये ट्रेन इतनी धीमी चल रही, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो पता नहीं कब पहुँचेगा का मतलब ये है कि टाइम में देरी हो रही है, तभी ये बात कही गई है पता नहीं कब पहुँचेंगे। अगर ऐसी ट्रेन चलती रही शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। ये कब कहते हैं, जब ट्रेन धीमे चल रही हो। अगर ट्रेन फास्ट चलेगी तो बस अभी पहुँचने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो आपकी जो कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कोई भी साधन हो, अगर स्पीड फास्ट होगी तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है गाड़ी की स्पीड कम है। ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस एक ही है तब 100 किलोमीटर डिस्टेंस अगर है, गाड़ी की स्पीड अगर 80 चल रही है तो जाहिर सी बात है वो 1 घंटे की स्पीड में लगभग 100 किलोमीटर वो कवर कर लेगी, ठीक है ना। अगर गाड़ी की स्पीड आपकी 80 चल रही है, 80 चला रहे गाड़ी स्पीड से आप, तो आपकी गाड़ी 1 घंटे 20 मिनट में 100 किलोमीटर को कवर कर लेगी। वहीं गाड़ी अगर आपने 100 कर दी, आपकी गाड़ी की स्पीड है, अगर उसको आपने 100 कर दिया और कंटिन्यू 100 रहता है, ध्यान रखिएगा इसमें जब थोड़ा और गहराई से पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें एक्चुअल स्पीड भी आता है एक टॉपिक, कि वाकई जो एक्चुअल टाइम वो कितना लगेगा। क्योंकि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कभी भी सेम स्पीड पर नहीं रहती। गाय आ गई, कोई ट्रक आ गया, कोई बस आ गई, तो हम स्पीड कम भी करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो टाइम है वो कम ज़्यादा होता है। पर जो हम बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं अपने टाइम का या स्पीड का या डिस्टेंस का, उसमें हर चीज़ एक रेगुलर स्पीड पे ऐसे है। किसी ने पूछा 100 किलोमीटर जाना है, गाड़ी की स्पीड 80 है, टाइम कितना लगेगा, आपने कहा 1 घंटे 20 मिनट। तो ये पॉसिबल तब है जब गाड़ी की स्पीड स्टार्टिंग टाइम से लेकर के लास्ट टाइम तक, स्टार्टिंग का जो 1 सेकेंड हुआ तब से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट 00 सेकेंड तक गाड़ी की स्पीड बराबर 80 रहे, ना 80 से कम ना 80 से ज़्यादा, बराबर 80 रहे, तब आप 1 घंटे 20 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे।
मतलब 100 किलोमीटर आप कवर कर लेंगे। अब गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होती रही है तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो वही चीज़ है, गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ती है टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा तो गाड़ी की स्पीड आपकी कम हो रही है। तो ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। कई बार लोग आंसर निकालते हैं 100 किलोमीटर जाना है, गाड़ी की स्पीड भी 100 है, आंसर आया 5 घंटे, कैसे पॉसिबल है। कई बार लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। तो आपको गाड़ी भगाना तो याद है, अगर आप टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला भूल गए हैं तो आपको गाड़ी भगाना तो याद रहा होगा। तब बोलते नहीं है मेरी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर थी, यही जो आपने भी बोला, मेरी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर थी। 70 को हटा दो, 70 को हटा दो, क्या बचता है, किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर कहाँ है, ऊपर, हावर कहाँ है, नीचे। है क्या ये स्पीड, स्पीड इक्वल टू किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस। कहते हैं ना तुम्हारा गांव कितना दूर है, बोले सर 20 किलोमीटर, तुम्हारा बोले सर 30 किलोमीटर। ये 20-30 किलोमीटर क्या है, दिस इज अ डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। और कितना टाइम लगेगा, बोले सर 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, रास्ता थोड़ा ख़राब है, गाड़ी तेज नहीं चल पाएगी। तो जो ये लग रहा है पहुंचने में जो समय लग रहा है वो है टाइम। लिखा था ना फॉर्मूले में किलोमीटर पर हावर, हावर जो है वो है टाइम। बन गया आपका फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको लर्न नहीं करना, आपने बिल्कुल रट लिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टर्ब अपॉन टाइम, और बाद में हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टर्ब अपॉन टाइम। डिस्टेंस से वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ना चलता कि अपॉन टाइम है कि अपॉन डिस्टेंस है। फिर पेपर में जाके सोचते हो स्पीड इक्वल टू वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, यही होता है भाई। रट होके तो भूल जाओगे, सीधी बात है, रटने वाला आंसर कभी लर्न नहीं कर पाया, रटना नहीं है, समझना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम बाकी के फॉर्मूले भी निकालेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब है टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड से हो रहा, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक ही सारे बना लेंगे। या जो वैल्यूज दी गई हैं, अगर 3 वैल्यू हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम, जाहिर सी बात है तीनों चीज़ें कभी नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो वो तीनों चीज़ें कभी नहीं देगा, 2 चीज़ देगा एक को मिस कर देगा, ये हमेशा है। कई बार दोनों को मिस कर देता है, सिर्फ एक चीज़ देता है, कई बार ऐसी कंडीशन बनती है। तो उसको हम अलग फॉर्मूले से निकालते हैं, बाद में कभी कोई कंडीशन ऐसी आएगी तब आपको वो भी समझाएंगे कैसे निकालते हैं उसको। लेकिन अभी समझने वाली बात जो है वो यही मेन है कि आपके सामने 3 होती हैं चीज़ें, स्पीड डिस्टेंस टाइम, 3 में से वो कोई 2 चीज़ें आपको देगा, एक चीज़ आपसे पूछेगा जब आपका बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा हो तब। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन अगर आता है, फॉर्मूला अगर भूल जाते हो, तो आप इसको दिमाग में रखना बात याद कि मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर पर हावर या 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड चल रही थी। तो आप जहाँ पर जो वैल्यू 80 है उसको आप हटा देंगे, बचता है खाली क्या है, किलोमीटर अपॉन हावर। किलोमीटर डिस्टेंस, हावर टाइम, किसका थी ये हमारी स्पीड थी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी हेल्प से आप अपना फॉर्मूला निकाल पाएंगे और कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। रटा होगा तो भूल जाएंगे, पर अगर आपने समझा होगा तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, जो मैंने भी आपको बताया। अगर आपने सुना इसको वाकई ध्यान से और समझा है, तो जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड तेज होगी तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, स्पीड अगर धीमे होगी तो मैं देरी से पहुंचूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, जिन फ्रेंड के पास या स्टूडेंट हैं उनके पास या कोई गार्जियन देख रहा है इस वीडियो को, उनके पास जो भी गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी होती है, कितना भी एक्सपीरियंस हो,
कितना भी कुछ भी हो, गाड़ी जब भी हाईवे पर हो 70 to 80, ठीक है, जब शहर में हो 20-30। देखता हूँ कई स्टूडेंट्स को 100 की स्पीड से निकाल दी जैसे ओलंपिक में जा रहे हो। मिलना कुछ नहीं है, मिलेगा क्या, आगे एक सूअर मिलेगा खाली बस, जो रोड पे घूम रहा होगा तुम चाहे उसको हॉर्न मारना कुछ ही मारना वो नहीं सुनता, वो अपने आप में सहनसा है। और अगर तुम उसको टक्कर भी मार दोगे ना उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी मोटी खाल होती है उसकी, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, वो उठेगा झाड़ेगा चलता बनेगा। लेकिन आपकी गाड़ी भी टूट जाएगी और आप भी टूट जाओगे। तो जब भी गाड़ी आप लोकल में चला रहे हो तो फास्ट नहीं, 20-30, क्योंकि शहर के अंदर अगर आप हैं पता नहीं कब कौन साइकिल वाला आ जाए। रिक्शे वाले तो आजकल सहनसा हो गए भैया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ मोड़ देते हैं। गली में बच्चे अंडरवर्ल्ड डॉन है, एक घर से निकलते हैं दूसरे घर में घुसते हैं, इतनी स्पीड से निकलते हैं गली में समझ ही नहीं पाओ कब गेट खुला कब निकल गए, आप गाड़ी का ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जब भी शहर में हो 20-30 स्पीड रखो जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, आप भी सेफ सामने वाला भी सेफ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको खुद को बचाना है, सामने वाले को नहीं। सामने वाला तो गलती करता है और ब्लेम आपको करता है, तो आजकल बचाना खुद को है। तो अपनी गाड़ी नॉर्मल चलाओ, हिसाब चलाओ, खुद भी सेफ रहो दूसरे सेफ रखो। जब आप हाईवेज पर हो गाड़ी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन गौरगी रखो, ट्रक वगैरह हैं उनको हमेशा गौरगी, कई लोग क्या है ट्रक एकदम बगल से निकाल देते हैं। अभी परसों ही की बात है एक एक्सीडेंट हुआ है कालपी में, ट्रक के बगल से बाइक वाला ओवरकट कर रहा था और ट्रक का टायर फट गया। जब ट्रक का टायर फटता है तो भैया पूछो मत, इतना हैवी ब्लास्ट होता है ना कि वो उड़ के सीधा खंती पहुंच गया। जो बाइक वाला था इतना ट्रक का प्रेशर था हवा का कि वो उड़ के खंती में गिरा। सोचो सोचो कितना प्रेशर रहा होगा ट्रक के टायर में। तो जब भी ट्रक के बगल से निकलो थोड़ा दूरी बना कर निकलो, उसकी जो कमानी वगैरह होती है ना ट्रक की, देखो कहीं ट्रक झुका हुआ तो नहीं एक तरफ, ये ट्रक हल्का झुका हुआ इस तरफ या इस तरफ, जिस तरफ झुका ना उस तरफ से कभी ओवरकट नहीं करना उसको, कहीं गिर गया ना तो रोड से खरोंच के बाहर निकालना पड़ेगा खरोंच की। तो ये कुछ टिप्स हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, हालांकि ये टॉपिक का विषय नहीं है लेकिन ज़रूरी ये भी है। तो सभी लोग बढ़िया अच्छे से घूमो, गर्मी का मौसम है, ये छुट्टियों का मौसम है, कहीं घूमने घूमने फिरने जाओ और गाड़ी सेफली चलाओ, सेफ्टी से जाओ। जो टॉपिक था वो मैंने बता दिया आपको आज का, कि स्पीड डिस्टेंस टाइम कैसे इनको ऐड करते हैं। डिस्टेंस अगर सेम रहती है गाड़ी स्पीड अगर बढ़ती है टाइम कम लगेगा, अगर टाइम बढ़ता है तो गाड़ी स्पीड स्लो हो रही होगी, सीधी हिसाब है। इसको हमें ध्यान रखना है, कभी भूलते हैं तो आप दिमाग में रखें अपनी गाड़ी के हिसाब से, तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा कि मेरा फॉर्मूला क्या है। तो आज के लिए इतना ही, सभी गुड बाय, थैंक यू।